बैतूल जिले में एक युवक द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पाढ़र का एक युवक सोमवार को तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस के सामने कूद गया, जिससे उसकी कटने की वजह से मौके पर मौत हो गई। मृतक 2-3 दिन पहले ही जेल से छूटा था। घटना शाहपुर के पास बरबटपुर पुल पर हुई। राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने कंट्रोल को सूचना दी थी कि बरबटपुर पुल के पास एक व्यक्ति रनओवर हुआ है, जिसकी जानकारी जीआरपी पुलिस को दी गई थी। बैतूल से पहुंचे जीआरपी प्रधान आरक्षक दिलीप नरवरे ने मौके पर पहुंचकर मृतक के बारे में जानकारी जुटाई तो उसकी शिनाख्त पाढ़र के बस स्टैंड निवासी धर्मेंद्र हरिलाल प्रजापति के तौर पर हुई। ये शख्स बरबटपुर पुल पर खंभे के पास चलती राजधानी एक्सप्रेस के सामने कूद गया। जीआरपी ने शव मौके से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो 3 साल से शाहपुर के पतौवापुरा में रह रही थी। मृतक इसे लेकर ही बार बार वहां जाता था। पिछले 21 जून को उसने शराब पीकर हंगामा भी किया था, जिसके चलते शाहपुर पुलिस ने उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच विवेचना में ले लिया है। आज दिनांक 7/24 को बैतूल स्टेशन मास्टर से मेमो प्राप्त हुआ। मेमो था कि किलोमीटर नंबर 803/1 पे अप ट्रैक पे एक अज्ञात व्यक्ति रन ओवर हो गया है। इसकी सूचना पर से बरबतपुर पहुँचे, जहाँ पे तस्दीक के दौरान मृतक व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र पिता हरिलाल प्रजापति, उम्र 34 साल, निवासी पाढ़र होना पता चला। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है या अभी नहीं? पोस्टमार्टम के लिए शाहपुर शासकीय अस्पताल लाए हुए हैं। बात पीएम के परिजनों को सब सुपुर्द कर दिए।